बेहतरीन बैलेंस और लाजवाब स्केटिंग, मासूम गौरव के हौसलों में है दम। मिलिए भारत के सबसे छोटे चैंपियन से। कहते हैं कि दिल में अगर कुछ करने की तमन्ना है तो इरादे आसमानी होने चाहिए, फिर इन्हीं बुलंद हौसलों और आसमानी इरादों की बदौलत इंसान दुनिया के उस मुकाम तक पहुंच जाता है जहां से बड़ी चीज बौनी दिखाई देने लगती है। कुछ इसी सोच और जज्बे के साथ 5 साल का मासूम गौरव चल पड़ा है उस डगर को हासिल करने के लिए, जिस पर चलकर वो बनेगा बड़ा चैंपियन। कहने को तो गौरव की उम्र महज 5 साल है, लेकिन इरादे इतने बुलंद है कि स्केटबोर्ड के खेल में अच्छे अच्छों को मात दे दे। और प्रतिभा की इस दौड़ में गौरव लगातार पसीना बहा रहा है। लेकिन गौरव के लिए ये महज एक शुरुआत नहीं है, बल्कि अपनी उम्र के लिहाज से उसने इतनी प्रतिस्पर्धा जीती है कि आप सुनोगे तो चौंक जाओगे। दरअसल गौरव ने अपने हुनर और जज्बे के दम पर वडोदरा को गुजरात स्केटबोर्ड चैंपियनशिप 2021 में पहली रैंक दिलाई थी। गौरव भारत के सबसे कम उम्र के स्केटबोर्ड चैंपियन है। गौरव ने ये चैंपियनशिप जीती, लेकिन गौरव ने राष्ट्रीय स्तर की स्केटबोर्डिंग की भी जीती जो चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी। फिलहाल अब तक 5 साल के गौरव ने स्केटबोर्ड गेम्स में 1 इंटरनेशनल गेम्स और 4 स्टेट गेम्स में हिस्सा लिया है। उन्होंने बेंगलुरु में खेले गए खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था। अब गौरव की महत्वाकांक्षा ओलंपिक में स्केटबोर्ड गेम्स में पदक जीतने की है। मेरा नाम गौरव है और मैं स्केटबोर्डिंग खेलता हूँ। कितने साल से आप खेलते हो? 2 साल से। हाल ही में आप कहाँ कहाँ खेल कर आए हो और क्या क्या आपकी सिद्धि है? मैं बेंगलोर, चंडीगढ़ और अहमदाबाद। अहमदाबाद में आप किन किन लोगों से मिले और कैसा रहा गेम आपका? अच्छा। कौन सा गेम था अहमदाबाद में? नेशनल गेम्स। कैसा लग रहा है आपको और आपको किन किन लोगों ने सपोर्ट किया? मम्मा, पापा और मेरे जज और मेरे सर। गौरव के पिता आशीष ट्रेनिंग के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। वो प्रतिदिन 2 घंटे स्केटबोर्डिंग का अभ्यास करते हैं। गौरव के पिता आशीष द्विवेदी ने बताया कि गौरव पिछले 2.5 साल से स्केटबोर्डिंग कर रहा है। उन्होंने मोबाइल और कंप्यूटर से दूर रहने के लिए स्पोर्ट्स शुरू किया है और स्केटबोर्ड एक ऐसा खेल है जो हर जगह खेला जाता है और विशेष रूप से इस खेल का एक भविष्य है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा ओलंपिक में भारत के लिए खेले और जीत हासिल करे। लॉकडाउन के टाइम पे कोविड की जब स्टार्ट हुआ था तब हम लोग क्वारंटीन थे घर में, तो कोई आउटडोर गेम वैसे ओपन नहीं था। तो मैंने सोचा कि अदर देन क्रिकेट ऐसे सारे गेम्स हैं जो ओलंपिक्स में आते हैं, बट हमारा उसमें उतना अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है एज अ मेडल टैली में। तो इसमें अगर हम अभी से सपोज इसको 12 ईयर्स में खेलना है तो अभी 5 साल से स्टार्ट करेगा, 3-4 साल से स्टार्ट करेगा तो 12 साल तक क्वालिफाई कर सकता है। तो एक अच्छा बेस बने और फॉर्चुनेटली हमारे पास ये फैसिलिटी था, अदरवाइज हम सोचते बट हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं रहा तो हम नहीं कर पाते। फॉर्चुनेटली गुजरात में 2 स्केट पार्क हैं, अहमदाबाद में 1 बड़ौदा में, तो लकीली हमें स्केट पार्क भी मिल गया और एक्सपोजर भी मिला। उसके बाद से इसका एक पर्सनल कोच भी रखा हुआ है मैंने, तो उसने इसको इम्प्रोवाइज़ किया। इसका बैलेंस अच्छा है, सबसे पहले इसका बैलेंस अच्छा है, तो बैलेंस अच्छा होने की वजह इस गेम में बैलेंस का रिक्वायरमेंट है। तो उसके हिसाब से धीरे धीरे करता गया और फिर कई सारे कॉम्पिटिशन खेल के आया, तो फिर हमने भी इनकरेज किया। खैर, भारत के खिलाड़ी अब खेल जगत में दुनिया को टक्कर दे रहे हैं। वहीं गौरव जैसा छोटा चैंपियन अपने खेल से न सिर्फ लोगों को चौंका रहा है बल्कि दूसरे बच्चों के लिए नजीर बन रहा है। 5 साल के सबसे कम उम्र के स्केटबोर्ड खिलाड़ी गौरव भी वडोदरा और गुजरात को दुनिया में गौरवान्वित करने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। उम्मीद है कि गौरव नाम का ये सितारा एक दिन पूरी दुनिया में अपनी चमक बिखेरेगा और भारत को स्केटिंग बोर्ड के इस खेल में सशक्त करेगा। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।